लखनऊ में यूपी के मंत्री शिवपाल सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वैश्य समाज को ओबीसी में आरक्षण चाहिए तो मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने दिल्ली में अपने घर पर डिनर पार्टी दी, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई नेता शामिल हुए। दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आज और कल सभी ऑटो वाले हड़ताल पर हैं। ये लोग किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। थाने के मुमरा स्टेशन पर लोकल ट्रेन पर एक युवक गिर पड़ा। जख्मी हालत में पटरी पर पड़े इस लड़के को महमुना पठान नामक महिला अस्पताल में लेकर गई, जिसके बाद युवक की जान बच पाई। लखनऊ के डॉलीगंज रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें एक साथ आमने सामने आ गईं, जिसके बाद ड्राइवर समेत चार लोगों को निलंबित कर दिया गया। यूपी पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगा है। एटा में गैंगरेप पीड़िता ने पांच आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शगुन होटल से पुलिस ने दो लड़के और दो लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंतरजातीय शादी से नाराज लड़की के पिता ने अपने समधी और दामाद की हत्या कर दी। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी के एक छात्र ने पंखे से लटककर जान दी। यूपी के एटा में पिछले महीने चलती रोडवेज बस में हुई कंडक्टर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। इंदौर में एक डॉक्टर ने अपने सास ससुर पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुद भी जान दे दी। हरियाणा के रोहतक में हत्या के बाद खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक एसआई ने अपनी बेटी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। गुड़गांव में हरियाणा टूरिज्म के एक रेस्टोरेंट में दो लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक लड़का और लड़की यहां आकर ठहरे थे और अगले ही दिन संदिग्ध हालात में दोनों के शव बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में क्राइम ब्रांच ने नशे के तीन सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से फोर्टविन के 2500 इंजेक्शन बरामद किए गए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में रेलवे पुलिस के तीन जवानों ने कई यात्रियों से पैसा लेकर उन्हें अवैध रूप से सीटें अलॉट कर दी और जिनकी आरक्षित सीटें थी उन्हें जनरल बोगी में बैठा दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खराब खाना मिलने के बाद छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने प्रोवोस्ट और वार्डन से खराब खाने की शिकायत भी की। असम के कामरूप में सुरक्षा बलों ने एक शख्स के पास से पांच जिंदा बम बरामद किए। नीतीश राज में एक बाप इंसाफ की आस में दर दर की ठोकरें खा रहा है। पटना के आलमगंज में रहने वाले अमरदेव प्रसाद सिंह के बेटे शैलेश की 15 दिन पहले मौत हो गई। सीनियर अधिकारियों का रवैया से तंग आकर यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। महज 7 साल में हाईस्कूल पास कर अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज कराने वाली सुषमा के पिता को अब उसकी पढ़ाई के लिए अपने पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ रही है। मुंबई के सिंधु रक्षक पंडुबी हादसे में शहीद हुए केवल सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। भारत के प्रमुख कारोबारी रतन टाटा अपने विदेशी मेहमानों के साथ ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के मकसद से बिहार के गया में एक ब्लाइंड कार रैली निकाली गई। रैली में 15 ऐसे लड़के शामिल हुए जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। पटना में फैशन प्रतियोगिता के लिए बकायदा ऑडिशन लिया गया, जिसमें महिलाएं कैटवॉक करती हुई नजर आई। गजल गायक जगजीत सिंह की याद में दिल्ली में जश्न गजल नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यसाई ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में जुल्फी खान सबरी ने समा बांध दिया।